बदलते भारत की शान। प्रतियोगिता की दुनिया में रहते हैं, एक जो गति और दक्षता द्वारा परिभाषित होता है, और एक ऐसी वस्तु है जिसका उत्पादन यह संसार बाजार में कर सका, जो कि हर घंटे, मिनट और सेकंड की जरूरत है। वह वस्तु स्वास्थ्य है। अभी कुछ समय से स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों और सेवा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। एक ऐसा ही उत्पाद है, प्राकृतिक उत्पाद है, जिसका उत्पादन जीवों द्वारा होता है, जो करोड़ों वर्षों से मानव अस्तित्व को पीछे ले जाता है। ये जीव मधुमक्खियां हैं। वो कीड़े जो परागण के रूप में काम आते हैं, जो पौधों और वनस्पतियों की बढ़ोतरी को सुनिश्चित करते हैं। हर किसान का घनिष्ठ मित्र, और आज जो कभी बढ़ती वाणिज्यिक इकाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है, शहद उद्योग। शहद को एक स्वास्थ्य उत्पाद माना जाता है, शायद एक प्राकृतिक वस्तु जो चीनी की जगह ले सकता है तथा चीनी से जुड़ी सभी स्वास्थ्य बुराइयों को मिटा देता है। मेघालय से आए शहद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में पहचाना गया है, और उसकी मांग न केवल देश के अंतर्गत बल्कि पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। विजय प्रसाद कॉक्स यानी सेंटर ऑफ लर्निंग नॉलेज एंड साइंस अर्थात शिक्षा ज्ञान और विज्ञान का केंद्र के संस्थापक हैं। कॉक्स में उसकी टीम मेघालय के किसानों के साथ बड़े पैमाने पर काम करती आ रही है, और लक्ष्य सरल है। किसानों को ज्ञान और प्रशिक्षण के द्वारा सशक्त करना, ताकि उनकी खेती की प्रक्रिया उन्नत और उद्यतित हो सके, और किसानों तथा कोषाध्यक्ष के बीच एक कड़ी के रूप में सेवा कर सके, ताकि किसान अपनी खेती की गतिविधियों को विस्तार कर सके। जब हमने कोक्स की शुरुआत की थी, इनकी सोच अलग था। हमने देखे थे कि सभी जगहों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते थे, परंतु एक थे जो लगभग दूसरी के साथ जो डिफरेंस था कि फॉलोअप, मार्केट लिंकेजेस, फाइनेंशियल लिंकेजेस वो नहीं थे। इसका मतलब ये था कि जो भी ट्रेनिंग्स हुआ था तकरीबन बस सर्टिफिकेट्स देने के लिए ही था, और कुछ पाने के लिए नहीं था। या हमारे किसान भाई जो आए थे, कम से कम 25% या 50% जो प्रतिशत जो आए थे यहाँ पे, उन सब के पास कम से कम 20 या 25 सर्टिफिकेट्स थे। वो सर्टिफिकेट्स पकड़ के ये उम्मीद रखते थे कि शायद मैं जब बैंक जाता हूँ
या सरकार के साथ जब जाता हूँ, मुझे कुछ मिल, कुछ मदद मिलो, सब्सिडी हो या जो स्कीम्स हो, जो भी हो, तो ये सोच जो थे हमारे ये किसान भाई के लिए बहुत ख़राब थे। तो हमने ये क्या किया था कि कोक जब शुरुआत की थी, हमने 30 किसानों के साथ शुरुआत की थी 215 में, और ये मो पालन भी किए थे, एपिकल्चर। मो पालन हमने चुना था क्योंकि किसान फार्मिंग के हिसाब से सबसे आसान थी। आसान ये नहीं कि फार्मिंग आसान है, परंतु आसान है कि उनकी देखभाल करने के लिए, और हमारे किसान भाई हजारों साल से करते आए हुए हैं। तो जब यू 30 लोगों की मैंने हम लोग जो कॉन्सेप्ट जो पूरी की थी, तो अप्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सफल हुआ था। तो इसके बाद हमारे 100 से 200 से 300 अब तकरीबन 7,500 लोगों के साथ हम काम करते, बस मो पालन में ही है। एक ऐसा ही किसान है पुनउर्सला से, 24 वर्षीय मधुमक्खी पालक ज्योत सिंह खोंग जी। पुनउर्सला राजधानी शिलोंग से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। रास्ते पर सड़क का एक हिस्सा है जो एक पर्यटक स्थल बन गया है, किंतु उस दौर तक पहुंचने से पहले लचिंगकोट नामक गांव आता है जो एक विशेष खासी व्यंजन डोसनाम के लिए प्रसिद्ध है। डोसनाम एक रक्त सॉसेज है जो सामग्रियों के संदर्भ में ब्रिटिश व आयरिश ब्लैक सॉसेज से काफी मेल खाता है। इसकी मुख्य सामग्री है सुअर का रक्त। यह सुअर के आंतों में इकट्ठा किया जाता है, गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर धीमी आंच में उबाला जाता है। निश्चित रूप से एक अर्जित स्वाद, किंतु अधिकतर खासियों के लिए जिस क्षण आप डोसनाम कहते हैं, निश्चित रूप से सब कुछ त्याग कर उसे खाना शुरू कर देते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लचिंगकोट के बाद ही सड़क अधिक गतिशील मोड़ लेती है। पूरा परिदृश्य बदलता है और सड़क के इस खिंचाव को देखकर किसी को भी इंजीनियरिंग के इस अविश्वसनीय टुकड़े पर अचंभा होता है। यह एक चट्टान की तरफ से घुमावदार जमीन की एक छोटी सी पट्टी है जो प्रकृति के सर्वोत्तम कला के टुकड़ों में से एक जैसा बात को अनदेखा करना, वह है एक तंग गहरी घाटी जो किसी गर्म उजाले दिन में किसी भी दर्शक को सम्मोहित कर सकती है और किसी भी धुंधले दिन में कोहरे को बनाने के लिए ठंडी हवा की बैठक गर्म हवा के धुंधले जादू में डूबा होगा।
जिससे कि सुंदरता का अर्थ इससे कुछ और प्रतीत होता है। घाटी का दृश्य साफ उजले दिन में सुंदर दिखती है और धुंधले कोहरे वाले दिन में अद्भुत। और इन जगहों में से एक ऐसी जगह है जहां से आपको इनमें से एक प्राप्त हो सकता है, या भाग्यशाली होने पर आप दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं, और वह है रंगाइन व्यू पॉइंट। दूसरी सुंदर घाटी को अनदेखा कर रंगाइन व्यू पॉइंट एक ऐसी जगह है कि दुनिया के इस हिस्से में आने वाले सभी आगंतुकों को रुककर उसकी संपूर्णता में प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। बहुत दूर से तो मैं हूँ नहीं, तो आई नो अबाउट द प्लेस, यहाँ के बारे में जानता था, और बहुत साल पहले मैं यहाँ पे एक ऑफिशियल विजिट पे भी आया था। तो ये बांग्लादेश बॉर्डर था फेंसिंग का, वहाँ विजिट पे आया था, तब मैंने देखा था, बट तब विजिट नहीं कर पाया। नाउ आई केम विद द फैमिली के साथ आ रहा हूँ, तो चेरापुं जी और ये विलेज जो है कालिंगकांग वो देखना है। इन दो घाटियों को पार करने के बाद ही पुन उर्सला गांव पहुंचते हैं। पुन उर्सला एक पुराना उपनिवेश है और उसकी आबादी बड़ी है। और यही से जोतसिंग खोंगजी या बाहेब, जिसे कि सभी लोग उसे प्यार से पुकारते हैं, ने अपना छोटा सा मधुमक्खियों के पालने का स्थान शुरू किया था। वह एक किसान परिवार से आता है। 5 उनका एक मुख्य फसल है जो कि स्वदेशी फसल है, जिसकी मांग बहुत बड़ी है, राज्य के बाजारों में पाई जाती है। मधुमक्खी पालन करने के लिए बाहेब अपने मामा से प्रेरित थे तथा अपने पिता की आशंका के बावजूद उसने कॉक्स के प्रशिक्षण के लिए नामांकन भरा। सबसे पहले तो मधुमक्खी की प्रकृति देख के अच्छा लगता है। मैं उन्हें छत्ते से निकलते हुए देखता हूँ, उन्हें खाना ढूंढते हुए देखता हूँ, उन्हें वापस फूल लेते हुए देखता हूँ। इस वजह से मुझे मधुमक्खियों की प्रकृति अच्छी लगती है। ग्यारह के बाद मैंने अपने गांव के साथियों को ट्रेनिंग से आते हुए देखा था और उनके साथ बक्से लेते हुए देखा। फिर मैंने उसका नमूना देखा। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि मुझे भी ऐसा कुछ बक्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने तख्ते से बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक साल बाद मैंने सोचा ये तख्ते तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो मामा से पूछ के मेरे मन में विचार आया कि सीमेंट से बनाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सीमेंट के छत्ते बनाना शुरू किया। बाहेब
40 मधुमक्खियों के बक्से अपनाता है, 20 बक्से गांव में और 20 बक्से जंगल में। बाहर मधुमक्खी शहद की प्राकृतिक रेखा के लिए कॉक्स को अपनी सारी शहद बेचता है जो भारत के बाहर निर्यात किया जाता है। में मैंने कोक से ट्रेनिंग ली थी। उस समय उनका कार्यालय मोलायमसिंग में हुआ करता था, तो ट्रेनिंग के दौरान मुझे मधुमक्खियों के विषय में बहुत सारी जानकारी मिली। वहां से आने के बाद मन में ये बात पनपी कि मुझे जो मिला वो करना चाहिए। तो ट्रेनिंग से मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ उसको मैं बड़ा करना चाहता था। तो इस तरह ट्रेनिंग से लौटने के बाद मैंने और भी छट्टे बनाना शुरू किया, 10 के लगभग। और उसके बाद ही अपने छोटे से बल पे और मेहनत से मैंने ये काम शुरू किया। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वह शहद के लिए बाजार के दाम से कुछ ऊपर बेचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉक्स उसे मधुमक्खी पालक और प्रदायक के रूप में विश्वास करती है। जब से मैं शुरू किया, मैं खुद से काम करके आया। मेहनत के साथ इस काम को मैंने अपना पूरा ध्यान देकर किया और आगे बढ़ने के लिए मन में तीव्र इच्छा है। हालांकि बाहर की सफलता गाथा मात्र मधुमक्खी पालन में ही समाप्त नहीं होता। उनके और भी बड़े सपने हैं। कॉक्स की सहायता से अपने गांव में शहद प्रसंस्करण और बॉटलिंग इकाई शुरू करने के लिए उसे एक बैंक द्वारा ऋण अधिकृत किया गया है। यह सब बेशक प्रक्रिया में है और यह सब वास्तव में बहुत आशाजनक है। कॉक्स को एक शहद के प्रदायक के रूप में बाहर के पास अपना मधुमक्खी के स्थान को एक बॉटलिंग इकाई में विस्तृत करने का आत्मविश्वास है, क्योंकि उसके पास एक सुरक्षा की भावना है जो अधिकतर मधुमक्खी पालकों के पास शायद न हो। इसके विषय में मैं श्री विजय से बात की, जो कोक्स के मालिक है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और कहता हूं कि मेरी मदद करें, क्योंकि मैं लेबल देना चाहता हूं ताकि लोगों को आसानी हो सके। इस शहद को कुछ लोग घर से लेने आते हैं और कुछ लोग मुझे फोन करके पिनुसला में रखने को कहते हैं और मैं रख के छोड़ आता हूँ
असल में ये लोग मुझसे 600 रुपए किलो में खरीदते हैं और क्योंकि वे उद्योग कर रहे हैं वो इसलिए थोड़े ज़्यादा दाम में बेच देते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पास खुद आए और शहद को सीधे मुझसे खरीदें। ने निश्चित रूप से बाहब के लिए दुनिया की ओर एक खिड़की खोली है। मेघालय की पहाड़ियों से एक मधुमक्खी पालक के रूप में उसकी पहचान शहद की हर बी नेचुरल यानी कि मधुमक्खी की प्राकृतिक रेखा में पैक की जाती है, जिसमें उसके द्वारा उत्पन्न किया गया शहद होता है। यह उत्पाद पता लगाने की क्षमता सुविधा द्वारा संभव बनाया गया था कि बी नेचुरल शहद की प्रत्येक बोतल पर QR कोड इसके साथ होता है। किसी को बस इतना ही करना है कि उस QR कोड को स्कैन करना है और उसमें शहद का मूल जिसमें उसके किस छत्ते और दुनिया के किस भाग से आया है वह सब उसमें दिख जाता है। हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है एक नाम से बेचा जाते हैं, उनका नाम उसका नाम है बी नेचुरल। बी नेचुरल एक किसान की प्रोडक्ट है जो हम किसान भाई के साथ करते हैं और इसमें दो चीज़ें हैं जो किसी प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है, वो है रीजनल आइडेंटिटी और वो है प्रोडक्ट ट्रेसबिलिटी। रीजनल आइडेंटिटी जो है वो क्या करते हैं कि एक आइडेंटिटी देते हैं कि ये जो मो है कहाँ से आते हैं, ये जो प्रोडक्ट है कहाँ से आते हैं, आप ट्रेस बैक कर सकते एकदम कौन सी जगह से आते हैं। शायद लिखे हुआ है कि मेड इन शिलोंग होगा, लेकिन जब आपका जो स्कैन करते हो कोड को तो आपको दिखाई देता है ये कहाँ से है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी है इसका मतलब ये होता है कि या कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और किसने प्रोड्यूस किया, उसके चेहरे तक और एड्रेस तक कर सकते हैं। अब हमारे जो भी कोई भी प्रोडक्ट बी नेचुरल से खरीदो तो वहाँ से आपको दिखाई देंगे कि वहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी और प्रोडक्ट से ट्रेसिबिलिटी होता है। मेघालय से शहद की बहुत ऊंची मांग है। वास्तव में आपूर्ति की तुलना में अधिक मांग है। इस मांग को पूरा किया जा सकता है अगर बाहब जैसे मधुमक्खी पालक वह जारी रखे जो वह कर रहे हैं और मधुमक्खी पालन का अभ्यास बढ़ता रहेगा और पनपता रहेगा। एक छत्ते में कई मधुमक्खियां हैं। ये लोगों की तरह नहीं हैं। वे आपस में मारपीट या झगड़ते नहीं हैं। वे अपना काम समझते हैं। मधुमक्खियां बहुत फुर्तीले होते हैं। सुबह जब उठता हूँ तो मुझे उनकी भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई देती है। उनमें जो मुझे बात पसंद है वो ये है कि जब वो अपने छत्ते से निकलते और उसमें घुसते हैं तो उनमें एक किस्म का सोच और समझ दिखता है।